करोड़ रुपए की। मैं मेवात पूरी की तरफ से दे रहा हूँ, अगर जो नुकुल शर्मा की जीप काट के लगा है, पूरी मेवात की तरफ से 2 करोड़ रुपए का ऑफर है। 2 करोड़ पूरी मेवात देगी, मैं दूंगा। और बताओ, अगर जीप तू काट ला 2 करोड़ रुपए का ऑफर, तू ले पत्रकार। नमस्कार, मैं आज और जो ये मसले चल रहे हैं वो चालने कति नहीं चाहिए, क्योंकि आज के दिन की अगर बात करो तो देश को होना चाहिए चांद के ऊपर। और लेकिन आज देश ऊर्जा खड़ा है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के अंदर और अपने वर्चस्व के अंदर, और इसी दौरान कुछ भाजपा प्रवक्ता के रूप में बयानबाजी दे जाते हैं, बाद में उसका जो अकाल रूप बना है वो किसी के नेता के भी समझ में नहीं आवे, किसी पार्टी के समझ में नहीं आवे, किसी भारतवर्षवासी के समझ में नहीं आता, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। लेकिन अरबी देशों के द्वारा फिर से राजदूतों पर गाज पड़ना, गाज पड़ने के बाद में फिर उनको सस्पेंड करना, पार्टी प्रवक्ता से हटाना, ये प्रक्रिया चली। और सबसे बड़ी बात है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं फटकार लगाई निपुण शर्मा को, और निपुण शर्मा की बातों से, और वो बच्चा अगर वर्षम नहीं करता तो आज कहीं ना कहीं कन्हैया लाल जैसे दर्जी भी जिंदा होते, और फिर उसके अंदर ये हिंदू मुस्लिम का रोड़ा भी कोई घुसता और सभी भाईचारे चैन अमन की मांग करते। फिर से अरुण शर्मा, वरुण, मैं तेरा नाम भूल जाऊँ, वरुण यार, बजरंगी भाईजान कह देना, तो यो मेरा बजरंगी भाईजान, हमें सब वरुण तो मेरा नाम याद रहा ही को नहीं, तो आज सिटी थाने में आने का क्या तात्पर्य था? नमस्कार अजय भाई, अभी आपने बताया कि नुपुर शर्मा का जो सारा प्रकरण हुआ, नुपुर शर्मा ने जो बोला वो कोई उसने पहली बार तो बोला नहीं, जो उसने बोला वो आज गूगल पे भी है और उनकी जो किताब है कुरान उसमें भी वो चीज़ लिखी हुई है। ये एक सोची समझी चाल है, ये हिंदुओं को दबाने की चाल है। 1946 में एक जिन्ना ने काम किया था डायरेक्ट एक्शन, उसमें क्या हुआ था कि डायरेक्ट एक्शन करो, जहाँ हिंदू मिल जाए उसको काटना शुरू कर दो। नुपुर शर्मा ने कोई ऐसा नहीं बोला जिसका इतना बड़ा विवाद हुआ। दूसरा, अभी आपने बोला कि कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, और कल ही उसी कोर्ट ने कल माफ़ी मांगी है कि वो मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी थी, कोई कोर्ट की स्टेटमेंट नहीं थी। आज ये हमें बात देखने की है कि एक नुपुर शर्मा के बयान को लेकर जो ये इतने भारत के अंदर और जो और कंट्री है उन्होंने इतना अग्रसन हो गए हैं, आकर्षक हो गए, क्यों हुए, कैसा क्या कह दिया उसने? हम अगर रोड आने के लिए हम आतुर हुए हैं तो उनको जवाब देने के लिए कि भैया हम चुप नहीं हैं। और बात कर रहे हो कन्हैयालाल की, कन्हैयालाल ने क्या किया था कि एक नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डाला था, क्या आप उसको मार दोगे? अभी व्यक्ति की आज़ादी कहाँ रह गई? क्या आपने कभी देखा किसी हिंदू ने किसी को मार दिया हो? अगर मान लो आज ये अभी एक इसाद नाम का व्यक्ति है, उसने नू जिलों में एक बयान दिया है कि जो नुपुर शर्मा की जीप काट के लाएगा उसको 2 करोड़ भी देंगे, क्या वो मर गया? क्या उसके चक्कू मार दिए हिंदू समाज ने? पर एक कन्हैया लाल ने एक स्टेटस लगाया था, उसके घर में घुस के उसको मार दिया। ये कैसी मानसिकता है? ये भारत किस ओर जा रहा है? ये भारत के मुसलमान कहाँ और कहाँ है मुसलमान भारत के जो भारत के फेवर में है? किसने कन्हैया लाल के लिए प्रदर्शन किए? किसने कन्हैयालाल के लिए सामने आए? एक भी मुझे दिखा दो आप। प्रदर्शन करने से लोग दिखेंगे और क्या, तो कैसे आएंगे? घर बैठे आ जाएंगे, फेसबुक पर रिकॉर्ड करने से आ जाएंगे, सोशल मीडिया तो कई मुस्लिम समाज के जो प्रधान हैं नेता वो भी आगे आ गए। ना ना ना, एक भी नहीं आया, बस अब एक भी नहीं आया कन्हैयालाल के समर्थन में कि कन्हैयालाल मारा किसी, सबके मुँह दही जमगी कि कन्हैयालाल मारा वो गलत मारा ना, सब ने बोला कि सही मारा। अब नहीं बोलोगे तो इसका मतलब ये होगा ना कि उन्होंने सही बोला। अगर मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं समर्थन कर रहा हूँ कि उसको सही मारा है? वरुण, इसमें नुपुर शर्मा कहाँ सार्थक हुई? नुपुर शर्मा कहीं सार्थक है ही नहीं। नुपुर शर्मा ने क्या बना रहे हैं आप? बना रहे हैं तो सार्थक ही बात, साहब मान लो वो बात है, किताब में लिखी है, जो गूगल में लिखी है, जो नेता वो कह देता है बेदरक हो गए, कह देता है उसका बाद में परिणाम और लोगों को भुगतने पड़ते हैं, तो क्या सोचने वाली बात वो नहीं थी क्या? बिल्कुल। अगर बाई चांस किताब में लिखी है, कुरान में लिखी, सब में लिखा हुआ है, तो फिर इसी राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, विश्व के अंदर डंका बाजा है, फिर इस्तीफा क्यों लिया? किसका? नुपुर शर्मा का। भाई इस्तीफा ले लिया तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, बट ठीक है अगर मान लो और देशों के साथ जो और बाहर के देश हैं वो एक हो गए हैं, ये एक मैसेज है
चलो एक नूपुर शर्मा का उन्होंने इस्तीफा ले लिया, वो उनकी पार्टी जाने वो जाने। अब एक बात आओ, थोड़े दिन पहले, चार दिन पहले एक काली माँ का पोस्टर रिलीज हुआ, उसमें काली माँ के मुंह में सिगरेट है। क्या आपने देखा कि हिंदू समाज रोड पर उतरी आया? क्या आपने देखा किसी हिंदू समाज ने किसी की हत्या कर दी? नहीं की ना। अगर नूपुर शर्मा ने एक बात बोल दी, वो उसकी किताब में है, वो गूगल पे है, उस पर इतना बवाल क्यों? और सभी बोलते हैं, ये मुल्ले मौलवी बोलते हैं वो बात, तो उस बोलने पर, उस एक बात पे इतना बवाल मचा देना, शहर के पूरे देश के अंदर अशांति फैला देना। और क्या आप इस बात के गवाह हो कि कितनी बार हमारे हिंदू देवता देवताओं का मजाक उड़ा है? कौन हिंदू उठ के आया है बाहर? मैं कह रहा हूँ ताज़ा बात है, एक हफ्ते की भी बात है। हिंदू कमज़ोर है ना फिर? कमज़ोर नहीं है। हाँ। ये हिंदू कमज़ोर नहीं है, तो? ये हिंदू सिर्फ सहनशीलता का चोला ओढ़ के बैठा है, बस इतना है कि भी लोकतंत्र में विश्वास रखता है। वरुण, बात सारे साल तक करूँगा। हाँ। जो सवाल है, तो लगता है कि आज हिंदू तो जातिवाद में गहरा बिठा है। ना ना ना, ऐसा है, वो एक टाइम था, पर जब ऐसी बात आती है, कन्हैया लाल की बात आई थी, तो कोई भी हिंदू जातिवाद में बैठा था। भिवानी में प्रदर्शन हुआ था हज़ारों की संख्या में, वो कोई सारे दर्जी नहीं थे, वो समस्त हिंदू समाज था। ऐसा कहने की बात नहीं है कि जातिवाद में है, आज हिंदू जाग चुका है। वो एक टाइम था जब जाति में बढ़ जाया करते थे, जब अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो, पर आज का हिंदू समझ गया है कि फूट डालो राज करने की नीति से अब परे उठ गया है, अब वो हिंदुत्व की बात करने लग गया है, हिंदुत्व के लिए उठ के खड़ा होने लग गया है। हाँ, सरकार हिंदुओं की। हाँ। फिर भी हिंदू कमजोर, मैं फिर से कमजोर कर रहा हूँ। बिल्कुल, यही तो वीडियो बनाया भाई साहब, और हम क्या कर रहे हैं आज? हम एक उस बंदे ने जीव काटने की बात कह दी और हम यहाँ पे उसके एफ आई आर कटवाने के लिए आ गए हैं। ये सिर्फ कमजोर नहीं है भाई साहब, आप शब्द गलत ले रहे हो। हिंदू सिर्फ सहनशील व्यक्ति है, हिंदू एक सभ्य समाज है, वो ये झगड़ा करना नहीं चाहता। और ये इतिहास है, जब जब हिंदू ने तलवार उठाई है ना, हिंदुओं ने सब सफाया कर दिया है। तो इसलिए हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू चुप बैठा है। सरकार हिंदुओं की है। हा? अगर हिंदुओं जागने की जरूरत है नहीं, सरकार अगर सही काम कर देगी, आप सरकार है, अगर आप शहर के लिए सही काम कर रहे हैं, शहर के लिए आपने जो कन्हैया उदयपुर का कांड था, वो आपने यहाँ पे हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया, तो एक मैसेज गया शहर के अंदर। तो उसी प्रकार से सरकार का काम भी तो ना, भाई हिंदुओं की रक्षा भी करे, हिंदुओं का मान सम्मान दिलाए, हिंदुओं को सब कुछ मिले। अभी सरकार ने क्या है, अभी दो दिन पहले NRI ने एक नंबर जारी किया है, उस नंबर पे क्या है कि अगर कोई भी मुसलमान या कोई भी जिहादी आपको धमकी दे रहा है, आप उस नंबर पे तुरंत अपना वो डालो। कोई भी अगर जिहादी सोशल मीडिया पे गलत बात लिख रहा है, उस नंबर पे आप तुरंत डालो। सरकार ठीक है अपनी जगह पे, जितना सरकार के हाथ में होता है, लोकतंत्र है, जितना होता है उतना कर रही है। अब ये तो है नहीं कि सरकार मिलिट्री बुलाएगी और सभी को मार देगी, वो तो आपको मेरे को खड़ा होना पड़ेगा ना उनको बताने के लिए, भैया रुक जा, हम भी हाँ जीवा हैं, मरे को नहीं, वो तो हमें दिखाना पड़ेगा। सरकार अपना काम कर रही है, दोनों तरफ से मार काटी होती रहेगी। वरुण, सोल्यूशन क्या निकलेगा इस देश का? तो एक लोकतंत्र भी कहाँ। हाँ। और फिर सबसे बड़ी बात है कि इस देश को भिन्न भिन्न जातियों से भी देखा जाता है, भिन्न भिन्न भाषाओं से भी देखा जा सकता है, ये तो एक समूह है, एक परिवार है। हाँ। फिर तो यही तो बात हम समझ, यही तो कह रहे हैं, जो ये गंगा जमुना की तहजीब बताते हैं, जो ये भाईचारा बताते हैं, कहाँ गया वो भाईचारा? आज मान लो हिंदू मुसलमान का भाईचारा है, वो भाईचारा है कहाँ? ये बात तो मुसलमान समाज को भी तो सोचनी चाहिए, हिंदू समाज के लिए। हिंदू भी तो तलवार उठाने की बात कर रहा ना, बात कर रहा है, करी तो नहीं ना, उसने तो कर दिया। ये बात समझाओ यार, मजा ना लिया करो, बात कर रहा है, आप कर रहे हैं। तो मैंने एक बात आप कर रहे हैं, क्यों डाल दिया हर बात? जब आपने कह दिया तो सब मुसलमान, नूपुर शर्मा ने कहा तो था, मुसलमान के करके दिया था, लेकिन मुसलमान मार देने, वो किसने मारे हैं? तो आपने कहा ना सर, हमने तो तलवार को उठाई नहीं, वह हमने तो तलवार तो करे यार। अच्छा, मतलब हम बात कर ले तो हम गुनहगार? वो मार रहे हैं, वो सरे हम मार रहे हैं, वो सच्चे है, वो बात सबके सामने भाई साहब ऐसा है, मेरे अपने और मैं आपका हूँ। हम अभी बातें ही कर रहे हैं, वो उन्होंने तो करके दिखा दिया, वो पाक साहब हो गए। मतलब ये होता है कि हमेशा बड़ा भाई चुके, अरे छोटा भाई से है वो भी तो मार के लिए चल लगा, वो भी तो मार देखा ना, अभी मेरे बड़े भाई से हम के लिए रहवांगे। तो क्या तलवार उठाने से सोल्यूशन निकलेगा? बिल्कुल, क्या हमारे भारत का संविधान भी हमें ये इजाज़त देता है कि हमें आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने की इजाज़त देता है? आपको पता है अजय भाई, और उन्होंने मार दिया। अब आपने वरुण जी से पूछा कि हिंदू समाज तलवार उठाने की बात कर रहा है, भाई साहब घर न तलवार लठ रखना क्यों गलत बात है, जब आपको ये पता है कि जिहादी किसी भी समय आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। आपको भी पता होगा, अगर कन्हैया लाल के पास हाथ में तलवार होती, वो आत्मरक्षा के लिए तैयार होता, तो क्या वो मार देते उसको? अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार संविधान भी हमें देता है, हम इस लोकतंत्र में रह रहे हैं, कोई डिक्टेटरशिप या तानाशाही राज में नहीं रह रहे, जिसमें केवल एक ही समुदाय का राज चलेगा।
आप क्या आप ये मुझे बहुत फिर भाई बता माँ आपसे फिर उस बात में राज वो किस तरह से कर रहा है वो तो समझा दे मुझे मुझे ये तो बता दो राज किस तरह से वो समाज वो देश वो समुदाय कर रहा है। बता रहा हूँ जैसे अभी जो जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या की थे मुसलमान धर्म से मुसलमान थे जिहादी थे उन्होंने मुसलमान समाज के लिए काम किया इसीलिए गंदा हुआ ना कहा मुसलमान सड़कों पर आया उनके विरोध में कहा गया वो मुसलमान समाज जो हिंदू गंगा जमुनी तहजीब के लिए काम कर रहा है उसका नारा दे देता है जब उनके ऊपर कोई विपत्ति आती है कहा गया वो आया क्या समर्थन में आया क्या कन्हैयालाल के लिए सड़कों पे कई उन्होंने आक्रोश जाहिर किया क्या उन जिहादियों के खिलाफ ना भाई ये तो हमारे बंदे नहीं है इनको मार दो सड़कों फांसी दे दो उन्होंने कहीं पर भी एक बार भी स्टेटमेंट दिया किसी भी मुसलमान समाज के व्यक्ति ने दी क्या सर जब केवल कानून ने सही सार्थक काम करने लग रहा है किसी को जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से अगर कानून की बात करें तो कोर्ट प्रेशर की बात पुलिस काम की बात करा तो बिल्कुल सार्थक काम हो रहा ऐसा है देखिए कानून कानून की कहीं ना कहीं उदयपुर कोर्ट में पेशी थी तो वकीलों ने भी थपेड़ा हुआ ऐसा है कि आप ये देखिए क्या ठीक है कानून अपनी जगह अपना काम करता है लेकिन जो उनकी मानसिकता थी जियादियों की क्या मानसिकता थी उन्होंने ऐसा 26 वार करके किसी को मारा और उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपडेट अपलोड कर दी ताकि पूरे विश्व में एक पूरे हिंदुस्तान में हिंदू समाज में एक भय का माहौल व्याप्त हो जाए पूरा रुक जाओ रुको रुको पहले आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं पूरा उसको पूरा देश दोष रहा भाई उनको पूरा देश भ्रष्ट रहा गालियां दे रहा पता नहीं क्या क्या दे रहा क्योंकि उन्होंने जो किया वो गलत किया लेकिन सर इससे पूरा समाज कहाँ पे पूरे देश में कौन दे रहा है उनको गाली केवल हिंदू समाज ही दे रहा है ना क्योंकि मरा हिंदू है ना मुसलमान कहीं आगे आए क्या अजय जी यही तो क्या होता है कि किसी अगर अगर मुसलमान समाज सड़क पे आ जाता कन्हैया लाल के समर्थन में तो आपको क्या लगता है कि हिंदू खड़ा होता क्या वो यही कहता है भाई ये खुद है इसका विरोध कर लग रहे हैं हमने क्या जरूरत है आप क्या होता है जब तक रोए बिना तो माँ भी दूध गुन भी आवे ये रोना पड़ेगा। अब जो 2 करोड़ का इनाम निकाला है उस आदमी ने निपुण शर्मा की जीप काटने के लिए तो आज की जो एप्लीकेशन है आज की जो अर्जी है ये वहाँ तक पहुँच पाएगी किस प्रकार से चलेगी क्योंकि युवा है पढ़े लिखे हैं बिल्कुल जरूर पहुँच पाएगी। FIR कटवाई हमने आज निपुण शर्मा के जो विरोध में जो 2 करोड़ रुपए का नाम रखा था जिसने जीप काटने के लिए तो हम उसके हर जगह हर जिले में हम FIR कटवा रहे हैं जिससे कि उनके ऊपर दबाव पड़े और आगे से ऐसा काम ना करें बताएं कुछ डाले सिंह यार इसी बात में बोले आपकी पहले वाली बात वो आप कह रहे थे नहीं पहले एक बात बोल FIR के ऊपर बात जो हमने कही है ये एक संदेश है ये सिर्फ एक आप कह रहे हो कि हमें तलवार नहीं उठानी चाहिए हमें बात कर रहा हूं शस्त्र नहीं सुनो आपकी बात सुनो मेरे को कमेंट भी ना करी भाई ये मेरे सवाल थे वरुण से मेरी हमेशा होते मेरे सवाल थे सुनिए आपका सवाल आपने कहा व्यवस्था कैसे ठीक होगी आपने पूछा था सवाल ये तो पूछा था सबसे पहले आप मंदिरों में जाते हैं आप मैन से मिलते हैं आप किसी मदरसे में जा सकते हैं आप किसी मस्जिद में जाके इंटरव्यू ले सकते हैं हर जो भी इनका बड़ा शो होता है रोड शो होता है शुक्रवार को क्यों होता है क्योंकि वहाँ पे उसी दिन इनका इकट्ठा होना होता है सिर्फ नहीं बात क्या बात सही आप सच्चाई सुनिए बात तो होनी चाहिए बात तो होनी चाहिए जिन्हें जीप काटने की वो दी है लेकिन आप मंदिर में सवाल बीच में व्यवस्था कैसे ठीक हो आपने कैसे पूछा था ना ये कि व्यवस्था कैसे ठीक हो व्यवस्था ठीक होने की बात है कि आप पहले वहाँ पे जाके उनका माहौल देखिए सरकार को सख्त होने की बात जो आप कह रहे हैं सरकार जो बहुत सही चल रही है कानून का सहारा है जब तक इन मदरसों पे लगाम नहीं कसी जाएगी वहाँ ही से उत्पाद होता है वहीं पे ही वेपन्स होते हैं क्या मदरसे में क्या वेपन्स का क्या काम है मंदिर में आपने घंटे के अलावा कोई चीज़ देखी है वहाँ पे कोई शस्त्र देखा है कोई चाकू देखा है आपने या तो फिर इसका मतलब ये हो हम भी मंदिरों में जाएं हमारी एक टीम हो सिर्फ हनुमान चालीसा बाद में हो पहले शपथ ली जाए कि हम हमारे ऊपर कोई शस्त्र है हम उसको 2 बार मारेंगे ब्याज सोशल मीडिया का एक ऐसा माध्यम है और लोगों के पास साधन भी है मोबाइल का आज या भिवानी में अगर राहुल गांधी आता है लोग कह देते हैं कि बीजेपी हम देखिए हमारा संगठन पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ हमारा संगठन नहीं तो भाजपा समर्थित है नहीं कांग्रेस समर्थित है किसी भी राजनीतिक संगठन का हम समर्थन नहीं करते जो गलत करेगा हम उसका विरोध करेंगे चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। अब जैसे उस आतंकवादी की जो फोटोज आई जो भाजपा नेता के साथ फोटो आई अब यहाँ पे राहुल गांधी आ जाता है बाजार में आया है मैंने सेल्फी क्लिक कर ली अब सेल्फी क्लिक करने के बाद मैं कुछ गलत काम करता हूँ तो उसका दोस्त राहुल गांधी को कैसे दे दोगे बाजार ऑफिस में फर्क होता सर है ऑफिस अच्छा ऑफिस सभी नेताओं के खुले हुए हैं आप मेरे साथ चलिए आपको बताइए किस सेंट्रल मिनिस्टर से मिलना मैं मिलवा के लाता हूँ आप तुरंत जाइए ऑफिस में भी भाई सब के खुले हुए हैं हम भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे हैं लेकिन ये आतंकवादी युवाओं ने मना कर दिया इस विषय में बात नहीं करेंगे लेकिन ये मामला है और आज फिर से
भिवानी से एक छोटी चिंगारी बन के बड़ा बम बनेगी FIR के रूप में, क्योंकि आज के युवाओं ने तो सारा लिया कानून का ही, ना तलवार उठाई ना कुछ उठाया, बस शांतिपूर्वक आ गए अपने चित्र थाने के अंदर आ गए, ज्ञापन देने का अच्छे तो साहब को काम किया है। अब देखते हैं जी ये जो FIR की कॉपी है कहाँ तक पहुँचेगी, और जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ इनाम देने वाले बंदे पर किस प्रकार से प्रशासन सख्ताई से काम करेगा, क्योंकि कहना भी गलत है और बोलना भी गलत है इसी लोकतंत्र के अंदर। JN सिन्हा से अजय नायक, पंकज सोनिया, खास रिपोर्ट।